हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल होने का सबसे बड़ा कारण है कि तली वली चीज़ें बहुत खाते हैं और डाइजेस्ट होने की उनमें ताकत नहीं होती, काम नहीं करते, आराम से पड़े रहते हैं, गरिष्ठ भोजन करते रहते हैं। जीव की लोलुपता के कारण ये अधिकतर बैड कोलेस्ट्रॉल हो जाता है। लेकिन ये शरीर में कितना होना चाहिए? शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल 200 mg पर dl से कम होना चाहिए। LDL यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल, इसकी मात्रा 100 mg प्रति dl से कम होनी चाहिए। और HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल 60 mg पर dl से ज़्यादा होना चाहिए। और ट्राइग्लिसराइड 150 mg पर dl से कम होनी चाहिए, तभी व्यक्ति ठीक रह सकता है। क्यों होता है बैड कोलेस्ट्रॉल? दूध, बटर, घी, क्रीम, आइसक्रीम जैसे पदार्थों में अधिक कोलेस्ट्रॉल होता है और तली वली चीज़ों से भी कोलेस्ट्रॉल काफ़ी बढ़ जाता है। खाएं तो पचाएं, मेहनत करें तो भी उस पर कंट्रोल हो सकता है। एल्कोहल और धूम्रपान से भी बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। मावे की मिठाई, जो दूध से बना हुआ मावा होता है, उसकी मिठाई से भी बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। और अंडे को खाने से अच्छा भी और बुरा दोनों कोलेस्ट्रॉल बढ़ते हैं। कई लोग पूछते हैं कि चावल से भी होता है क्या? तो चावल से बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता और छाछ दही से भी बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। हाँ, अगर आपका लीवर ठीक नहीं है और एसिडिटी रहती है तो छाछ दही से एसिडिटी बढ़ सकती है। एलडीएल का मतलब है खराब कोलेस्ट्रॉल। हम जब वसा इकट्ठी हो जाती है नसों में तो उसकी दीवार पर चिपक जाती है और वक्रोकों में ये थुक्कों के कारण रक्तवाहिनियों में ये गुड कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ाएं? आप प्रतिदिन नियत समय या नियत रूप से व्यायाम करें। अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ है तो आप अपने वज़न को कम करने का प्रयास करें, उसका उपाय करें। अगर आप धूम्रपान करते हैं तो अभी छोड़ दें और हेल्दी फूड खाएं और फैट में भी आप हेल्दी फैट का इस्तेमाल करें। प्रोसेसिंग फूड ना खाएं, अगर खाना पड़े तो बहुत ही कम खाएं। अगर किसी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है शरीर में तो उसके कुछ थोड़े से लक्षण मैं आपको बता देता हूँ कि उसके पेट में दर्द होने लगता है, सीने में भी दर्द हो सकता है, पैर सुन्न पड़ सकते हैं और पैरों का निचला हिस्से में दर्द रह सकता है। अगर ये समय पर ठीक ना हो या आप ध्यान नहीं दें तो दिल की बीमारियां बन जाती हैं, हार्ट अटैक हो सकता है और आप कमज़ोरी महसूस करेंगे। आज इतना ही। आप अपना ध्यान रखें, आपके हर ऑर्गन
बहुत ज़रूरी हैं। आप जीवा के कारण, स्वाद के कारण इस शरीर का को नष्ट ना करें, अपना ख्याल रखें, व्यायाम करें, अपनी दिनचर्या चेंज करें, हेल्दी फूड, हेल्दी जीवन बिताने का तरीका अपनाएं। आज इतना ही, कल मैं एक वीडियो में आपको इसके बैड कोलेस्ट्रॉल का कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बताऊंगा। आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।